सारा सामान आ गया? यस सर। डेकोरेशंस बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे मैंने कहा है। ओके सर। ओके जाओ तैयारियां करो। जी सर। अच्छा सुनो, केटर से कहना कि आलू पूरी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। अब जाओ। ओके सर। दादी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही? देख रही हूँ, मेरा बिल्लू कहाँ गया? दादी मैं तो यही हूँ आपके आपके सामने। मेरे सामने जो खड़ा है ना वो मेरा बिल्लू नहीं, अनिका का बागड़ बिल्ला है जो उसे खुश करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने उसे इतना दुख भी तो पहुंचाया है दादी, उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आखिर मेरा बिल्लू सच्चा इश्कबाज बन ही गया है। दिल सौदागर बहुत बड़ा और हर सौदे में रिस्क लिया, खुद भी गया और जान भी गई, बदले में केवल इश्क लिया। अब ख्वाब भी है बेख्वाबी भी, पर भी है परवाज भी है। जो कल तक था मगरूर बहुत, अब बिल्लू इश्क बाज भी है। दादी अब जब इश्क बाज बन ही गया है तो उसे बोल भी दे। बेशक अनिका को सब पता है, तूने कभी कुछ कहा नहीं पर तेरी आंखें सब बोल देती हैं। पर पुत्र कभी कभी एहसास को शब्द देने जरूरी होते हैं। अरे आंखों पे कब तक नोट डालेगा, खोते हैं मुंह से भी बोल दे। आप बिना कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे शर्मा क्यों रहा है, बोल देना बिल्लू जाके, बोल चल चल। दादी बहुत काम है मुझे जाने। अरे अरे बोल देना। अरे क्या माफ। दादी दादी उमरू तुम दोनों को अपना प्रॉमिस याद है ना? ठीक है फिर, कुछ ही देर की बात है। हाउ कैन यू डू दिस अनिका? जानवी आंटी आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों? जो उम्रू ने सब कुछ बता दिया है। अनिका तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम ये शादी नहीं तोड़ सकती हो, तुम और शिवा एक दूसरे के लिए बने हो अनिका। कम विद मी, हम शिवाय को सब कुछ बता देंगे। नहीं वरी, डोंट वरी, संभाल लूंगी। नहीं जानवी आंटी नहीं, हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब पे खर्च आएगा। जानवी आंटी नहीं। लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाया भी तो नहीं जा सकता ना अनिका। मैं जानती हूँ जानवी, लेकिन जिस सच का सामना इंसान ना कर पाए उसका छुपा रहना ही अच्छा। प्लीज प्लीज जानवी आंटी, अनिका मेरे लिए, इस घर के लिए, उनकी जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। जानवी आंटी, उनकी आंटी शिवाई की माँ है, मेरा बस कुछ महीनों का साथ, एक माँ के परसों की तपस्या, परसों के प्यार के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। जब तुम इतना बड़ा सैक्रिफाइस शिवाई के लिए कर सकती हो तो हम उसके लिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। डोंट वरी, हम सब वही करेंगे जो तुमने उमरू से कहा, हम सब तुम्हारे साथ आने का। मैं अनिका के लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं माता जिठानी जी,
इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब अनीका से ना चीजें वापस लेने का टाइम आ गया। What's wrong with you, Pinky? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें अनीका से अच्छी बहू और शिवाय को अनीका से अच्छी वाइफ पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। अच्छा जिठानी जी, अगर आपने फटीचर बहू को सड़क से उठाकर अपने मत्थे सजा लिया, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया ये करेगी। पिंकी ओबरॉय उस सड़क छाप अनीका को अपनी बहू तो कभी मान ही नहीं सकती, कभी नहीं। काश मैं तुम्हें समझा सकती कि इंसान की कद्र करनी चाहिए, ना कि उसकी कीमत लगानी चाहिए। तुम जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो पिंकी। तुम्हें एक दिन लाइफ में रियलाइज करोगे, और वो एक दिन मेरी जिंदगी में तो कभी आएगा नहीं। इसलिए बेटर होगा आप अपनी दरिया दिली अपनी फटीचर बहू के लिए संभाल कर रखें। You know what, Pinky? अच्छी बहू बहुत किस्मत से मिलती है, लेकिन जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो उसे अच्छाई की क्या कदर है। तेजी से भागता है, बस कुछ ही देर में भैंस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। रोने का वक्त नहीं आने का, जो सोचा है वो करने का वक्त है। मंगलसूत्र सूत्र तेरे नाम का नाम का नाम का आप मेरे पति हैं, परमेश्वर है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपसे पहले उठूं और आपके लिए चाय बनाऊं। क्या है ये? दादी ने कहा है कि पति परमेश्वर होता है। हाँ तो वो दादी ने आज पूजा की थी और वो चाहती है कि ये सिंदूर आप मेरी मांग में भरे और ये मंगलसूत्र मुझे पहनाए। तू शायद भूल रही है, तुझे सिर्फ इस घर से जाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करके जाना है कि शिवाय खुद तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दे। ओ जाना ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना।